इंस्पेक्शन समझिए या विजिट समझिए आप हमारे छोटे भाई अनिल यादव राज्यसभा मेंबर, हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब रवि कुमार साहब, हमारे डॉक्टर साहब ज्योति मैडम। एक पूरा हम जायजा लिए नीलोफर हॉस्पिटल का और इसके अंदर हम इंटेंसिव केयर यूनिट गए, ऑपरेशन वार्ड्स गए, लेबर डिलीवरी एंड रिकवरी वार्ड्स अटेंड करे, जहाँ पर ह्यूमन मिल्क जो अनिल जिक्र कर रहे थे, धात्री सेंटर और एक ऊपर जो पूरे तेलंगाना स्टेट के अंदर जो कंट्रोल है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसको भी हम विजिट करें। सो नीलोफर जो है सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में मशहूर है और नीलोफर हॉस्पिटल एक ग्लोबल ब्रांड है और हम सबको ये खुशी ये हुई जब हम आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन करें और तमाम पेशेंटों से उनका राय पूछे तो सब लोग बोले कि यहाँ के डॉक्टर स्टाफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जो हालात आज है मैं अपनी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, आज से दो साल पहले आया तो कुछ हालात कुछ अलग थे, मगर जब मैं आज आया तो हालात बदले हुए हैं। तो इसका मेन क्रेडिट मैं देता हूँ हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट को और रेवंत रेड्डी साहब को, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब के दिमाग के अंदर प्रायोरिटी के अंदर हेल्थ और एजुकेशन है। और आज हमारे राज्यसभा मेंबर के साथ जब हम आए हैं हम सुप्रिंटेंडेंट साहब को और तमाम यहाँ के डॉक्टर्स को एक भरोसा दिए हैं कि आप और जो भी प्रॉब्लम्स है आप एक पेपर पे डालिए और हमारे को बोलिए, कंसर्न मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा साहब के साथ बैठेंगे, उनको लेके आएंगे, नीलोफर में इंस्पेक्शन कराएंगे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा और फंड लेंगे और उसके बाद भी अगर से कुछ कभी पेशी रहेंगी तो इंशाल्लाह मुख्यमंत्री को जाके बोलेंगे और इंशाल्लाह एक दिन मुख्यमंत्री को लेके आएंगे। सो नीलोफर के अंदर बेहतरीन काम हो रहा और मैं इसकी मुबारकबाद हमारे सुप्रिंटेंडेंट और पूरे स्टाफ को देता हूँ और हमारी कांग्रेस हुकूमत को। हम सोच रहे नहीं पर जितना भी पैसा हमसे होता हम लाकर दे रहे हैं। आज अनिल की नीयत थी मेरे एमपी लैड फंड से मैं कुछ दूंगा और यहाँ पे आके हम जब हॉस्पिटल को पूरा मुआयना करें तो यहाँ पर जो है 2G एक इको मशीन है जो छोटे दिन में 80 से 90 बच्चे उस कुबे आते। तो अनिल का मन ये है कि वो जो 50 लाख का मशीन है हम देंगे और इंशाल्लाह बराबर देंगे। वो जो भी कंपनी है उसे हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब बात करेंगे और अनिल अपने तरफ से ताउन करेगा। सो जो भी माहौल है नीलोफर का बेहतरीन माहौल है, हर एक जनों से हम बात कर चुके हैं और प्रेस भी हमारे साथ है, एक भी कंप्लेंट नहीं आया। इसका मतलब क्या है, नीलोफर हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट स्टाफ गवर्नमेंट हम और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये आप उम्मीद करिए और इंशाल्लाह और उसको मजबूत करेंगे। जय हिंद जय कांग्रेस। फिरोज में यहाँ पर नीलोफर हॉस्पिटल में कैमरों को लेकर थोड़े कमजोरियां हैं कि कैमरे काम नहीं कर रहे, बल्कि दो वक्त आप भी बच्चे मिस हो गए, वक्त में आपको आगे कर रहे थे, इसके ऊपर आप लोगों का क्या मसला है? रेक्टिफिकेशन हो गया, वो टाइम मसले थे, रेक्टिफिकेशन हो गया सर, पूरे कैमरे चालू रहेंगे, इसके बाद चालू है रेक्टिफिकेशन हो चुका है। He wanted to come and visit this place and contribute something from him. And with a larger plan, what we have come, we want to know what are the real existing problems here, so that we should make a complaint or wish list, whatever it is, and we will go to the minister, speak to the minister, and I will take you, and then we'll get him here, and whatever possible from the minister and the government, he will do. And later, if it is not possible, then Anil and Firoz Khan will go and speak to Chief Minister. This is what we have planned. So now we have visited Nilofar and we are coming to you. So today, as per today, he wants to give some 15-20 lakhs, whatever he has right now. So what is the immediate requirement and what is the further requirement? Please tell us. I'll give the background. Yes, please.